चुके हैं, वेलम बॉयज का प्रोग्राम हो गया है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 23 डिग्री। हमारे यहाँ ससदार रोड पे भी कुछ होटल्स खुल गए हैं, जैसे एडमिरल ग्रैंड। ये है ससदार रोड जो पहचानी जाती है ना, देखो कितनी छांव है, कितने पेड़ हैं, पर जल्दी ये भी कट जाएंगे। ये देखो है ना, बढ़िया ठंडक रहती है यहाँ पे, कभी गर्मी पड़ती ही नहीं। अगर ऐसे सड़क रहे ना, कभी गर्मी पड़ती ही नहीं। काफी दिन से मैं अपने मैट्रेस चेंज करने की सोच रहा था, करलोन के आते हैं, करलोन के मैट्रेस लेने मेरे को। देखता हूँ यहाँ ससदार रोड पे मिले तो चूज करते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगाने पड़ेंगे। सामने देखो पहाड़ दिख रहे हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में मसूरी। अब धुंध आ चुकी है, जैसा मॉर्निंग में दिखाता ना नजारा, उससे अलग हो चुका है। मजा आता है देहरादून में जीने में, हर एक दिन यहाँ पे नया है, हर एक दिन फ्रेश है, अच्छा लगता है। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कब मेरे को टाइम यहाँ पे चला जाता है। इसी चौक से राइट जाएंगे तो अस्थल आता है, ऋषिकेश हरिद्वार जाता है रास्ता, लेफ्ट में मसूरी। ये जो अपार्टमेंट है ना ससदार, राइट सुपर्ब है। यहाँ पे ना ऊपर टॉप फ्लोर पे मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया हुआ है, उन्होंने अभी रेंट पे दे दिया है। कभी आएंगे तो मैं घूम के आऊंगा इस अपार्टमेंट में, बहुत अच्छा व्यू आता है भाई, इससे बहुत प्यारा व्यू आता है। मैंने देखा, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड करी थी व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छी सोसाइटी है। लो आपके लिए रोल लाया हूँ, यहीं रख दो किचन में। हेलो, अभी रात के 8:15 बज रहे हैं, मैं घर पे आके सो गया था और एक वीडियो मैंने एडिट कर दी है। दो रोल लाया था, एक तो मम्मी को दे दिया, एक ये खा लेता हूँ अपने। तो ठीक है, आज दोबारा से, आज दूसरी बार हम सेपरेटा मिल्क निकालेंगे। मशीन आज हमने यहाँ पे रख लिया ऊपर, अभी हम ना थोड़ा सा स्पेस बना देंगे यहाँ पे ताकि मशीन परमानेंटली यहीं पे रखी रहे। यहीं से खिसकाई, यहीं पे दूध निकला और यहीं पे सब बर्तनों की सफाई होगी। बर्तनों की सफाई चिकने हो जाते हैं ना, पूरे में क्रीम लग जाती है, तो इसलिए ये इंस्टेंट जो वाटर हीटर है ये बहुत जरूरी है। गर्म गर्म पानी से धो जाएंगे बर्तन। तो नहीं गिरती है ये, कैसे जंग से आ गया दिखाई हो, ये देखो जंग आ गया, कुछ लगे रह गया। कपड़े से साफ करो इसे। हाँ, मैं ना ये सोच रहा था रबड़ कहाँ लगेगी कहाँ लगेगी, वो इस कटोरी के अंदर लगती है। ठीक है भाई, सेकंड टाइम हमने बहुत जल्दी इसको फिट कर दिया है, बहुत आसान लग रहा है अब तो। और अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब मेन चीज़ ये है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इससे ना ये ब्लॉक हो जाएगा। ये देखो जैसे ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, जब इसमें दूध आ जाएगा अंदाजे से होगा ये। लो आप दूध डाल दो, आराम से डालना, पकड़ रखा है दूध, इस बार कम रह गया, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, बहुत है, इतने में निकाल लेंगे। थोड़ा सा निवाया ही है, निवाया ठीक रहे ना। अब ये स्टार्ट हो गई है, अब आधा मिनट हमें घड़ी में देख के, आधा मिनट जैसे ही कंप्लीट हो इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अभी बंद है ये, चलो अब ओपन कर देते हैं। देखो ओपन ऐसा होगा अंदाजे से, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया है, देखो दूध आना चालू हो गया सेपरेटेगा इस तरफ। मस्त मशीन है, घर पर सेपरेटा निकल रहा है। मेन चीज़ पता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, मेन चीज़ इसको साफ करना है। अभी जब निकल जाएगा तो इसकी कटोरी और ये सारे बर्तन साफ होंगे, मेन चीज़ बस वही है। आज हम दूसरी बार निकाल रहे हैं इससे, देखो तेल निकल रहा ना कुछ, यहाँ पे भी छिड़क छिड़क के गिर रहा है नीचे। नहीं आ गई है क्रीम, क्रीम आनी शुरू हो गई है, देखो क्रीम आनी शुरू हो गई है, बहुत धीरे धीरे आती है क्रीम। आज हमारा 5 किलो दूध है, ज़्यादा नहीं है। क्रीम 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 बोलते हैं इसको, इधर सेपरेट आ रहा है इधर क्रीम आ रही है। क्रीम देखो कितनी कितनी थिक है, बहुत थिक है ये एज कम्पेयर टू, देखो ये दूध है, दूध के सारा है बिल्कुल वाइट, दोनों में कलर का अंतर देख लो भाई, डिफरेंट देख लो। 5 किलो दूध मतलब 5 मिनट से कम में भी इसने कर दिया है, और देखो कैसे जा रहा है, बस थोड़ा सा बचाइए। हाँ इतना बहुत है, तीसरे दिन निकाल लो, ताज़ा रहेगा, ज़्यादा बासी भी नहीं होने का। हमारे पास फ्रीजर भी नहीं है ना, फ्रीजर हो तो इसको कितना भी निकाल लो रख लो, या खुद की भैंस हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मशीन बंद कर दी है क्योंकि इससे ज़्यादा ये दूध जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो वो है ना छेद थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा नीचे रह जाता है इतना दूध। अब निकालो एक एक करके सारे बर्तन, ये निकल गया ना ऐसे, इसमें तो खैर कुछ नहीं है, ये मेन है, पकड़ना मेन तो ये मेन है, ये इसको ऐसे रख दो है ना, धीरे धीरे चली जाएगी अपने आप जाएगी। और इसको निकालो, इसमें भाई काफी रुक जाओ, इसको ना इसमें क्रीम है, क्रीम है इसमें, तो इसमें कर दो ना, इसे उल्टा रख दो इसमें, ये ऐसे ही, ये देखो ये दूध है, क्रीम है, क्या है, दूध है, कोई बात नहीं इसमें चली जा गई है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाओ दिखाओ, तो भाई ये भी निकल चुका है, अब अपनी मशीन फ्री हो चुकी है, अब इसको तार को लपेट दो।
आज बहुत आराम से काम हुआ है ना उस दिन के मुकाबले, ऐसी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये गया दूध अपना पूरा प्योर सेपरेटर का, अब इसको दोबारा से गर्म करने की जरूरत नहीं है ना, गर्म। अब इसको मस्त पियो, चाहे एक लीटर पियो चाहे दो लीटर पियो, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसमें फैट ही नहीं है, क्रीम ही नहीं है। देखो भाई कैसी क्रीम निकली है, दिखाना कितनी ये है भाई, ये गर्म हो जाना कैसे लच लचली सी है, कैसे चिपक रही है। ये तो भाई बलगम भी करेगी और फेफड़ों में जमेगी भी, ये देखना कितनी खतरनाक है ना क्रीम ऐसी है, हाथ से छूने का मन नहीं कर रहा, ऐसी है ये लगाने की क्रीम, जैसी मुंह पे लगाने की क्रीम है। देखो अगर इसे कोई लगा ले तो लोशन का काम करेगी, ये ना बिल्कुल भी, ये देखो कितनी चिकनी है भाई, देखो कितनी चिकनी है, इसको कैसे पी सकते हैं हम, उनके लिए ये खतरनाक भाई, जो मतलब हार्ड वर्क नहीं करते, खेतों में काम नहीं करते, बिल्कुल मजदूरी का काम नहीं करते, उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक है ये। आज तक कैसे पी रहे थे, इतना सारा गलत खा रहे हैं, बस धीरे धीरे अभी हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू माय गुरुजी, जो कि इंडिया के नहीं वर्ल्ड के भी एक टॉप लेवल के आयुर्वेद आचार्य हैं, वेद हैं, जिनके गाइडेंस में हम ये काम कर रहे हैं। देखो ये क्रीम निकल चुकी है और देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो इसमें बेस में भी जमगी, मतलब अभी रखी थी ये, अभी हमने इसको टेढ़ा किया, कैसे जमगी, ऐसे जमती है पेट में, दिमाग में, दिल में, दिल में ऐसे जमती है, ऐसे हट रहता है, फिर बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तो मम्मी ने क्या किया, इसके अंदर ही सारे बर्तन गर्म पानी डाल के इसमें धो दिए, अब ये इसमें ये हो जाएगा, देखो कितनी बुरी तरह जमगी है ना, गर्म पानी गर्म से छूट गया। The next day, good morning from Dehradun. दोपहर के 11:30 के करीब बज रहे हैं और भाई काफ़ी विजिबिलिटी कम है सर्दियों की वजह से। आज का खाना सुबह के 11:30 बजे हो रहा है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट ना करके डायरेक्ट लंच कर रहा हूँ, आज बनी है कढ़ी। शाम के 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पे ये माहौल हो चुका है। आज थोड़ा सा मौसम हल्का सा ख़राब है, इतनी तेज़ धूप नहीं थी और विंटर लाइन दिख पाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आज बादल आए हुए हैं, लेकिन गूगल प्रेडिक्शन में सब कुछ नहीं दिखा रखा। कल का भी मौसम क्लियर है, अगले 10 दिन का मौसम सब क्लियर है। ठीक है भाई, रात के बज गए 8, आज पूरा दिन कहीं गया नहीं हूँ, घर पे काम करता रहा और आज बनी अपनी फेवरेट सब्जी। ये मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है, पनीर की, गर्मा गर्म खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगी।